अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बनाने वाले हैं चिकन पैटीज। तो जी, चिकन पैटीज बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। चिकन ब्रेस्ट पीस हमने एक अदद लिया है, लहसुन 10 से 15 जो है ये हमने, अदरक जो है 1 इंच टुकड़ा है, कुछ धनिया जो है वो 1 चम्मच है, चिली फ्लेक्स जो है वो आधी चम्मच है, सूख मिर्ची आधी चाय की चम्मच है, और नमक जो है वो 1 चम्मच है, और बिहारी मसाला जो है कबाब मसाला वो मैंने 1 चम्मच लिया है। अगर आपके पास है यूज़ करें, नहीं है तो स्किप कर दें। गरम मसाला जो है वो 1 चम्मच है। मीडियम साइज़ के 2 प्याज हमने लिए हैं, सफ़ेद मिर्चें 2 अदद लिए हैं, और गार्लिक स्टॉक्स लिए हमने। टमाटर जो है 4 स्मॉल साइज़ के हैं हमारे पास। फ्रेश पुदीना और फ्रेश धनिया हमने लिए, ये तकरीबन 10 से 15 पत्ते पुदीने के हैं, और तकरीबन 3 से 4 जो हैं वो टहनियाँ जो हैं वो धनिया की हैं। तो हमने इनको वॉश करके सारी चीज़ों को रख लिया। अब आप इनको चॉप करके ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे मैंने पेस्ट यूज़ किया है। मैंने सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लिया, चिकन को भी इसके साथ ही ब्लेंड कर लिया। अब हमने इसमें 2 जो है वो टेबलस्पून हमने ऐड किए हैं बेसन। तो बेसन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। हमें फाइनली तकरीबन इसका पेस्ट बनाया। अगर आप चॉप करके प्याज धनिया और पुदीना वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मसला ये होता है कि चिकन पैटीज जो है वो थोड़ा हमने पतले साइज़ में बनानी होती है तो वो मटेरियल उसके अंदर से निकल जाता है। तो अब हमने इसका जो है पैटी स्टाइल में हमने इसके साइज़ बना लेना है यूँ, इस तरह से इतना साइज़ आपका होना चाहिए, और ऑयल गर्म करके उसके अंदर हमने इनको ऐड करना है, और तकरीबन हमने एक टाइम में हम 3 फ्राई करेंगे। जब एक साइड से तकरीबन ये थोड़ा पक जाएंगे तो हमने इनकी टाइम जो है वो करनी है चेंज। जब कच्चे हों तब आपने चेंज नहीं करना, ये टूट जाएंगे। जब फुली कुक हो जाएंगे एक साइड, अच्छा जी, तो अभी तकरीबन एक साइड से सारे कबाब हो चुके हैं। अब हम इनको दूसरी साइड से कुक करेंगे, और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने ये कुक करना है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, 2 से 2 दिन हो जाएंगे। अब तकरीबन हमारे जो हैं तकरीबन रेडी होने वाले हैं, तो इनको हम डिश आउट कर लेंगे और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें इनको। बर्गर बनाएं, चाहे राइस के साथ करें, या आपकी अपनी मर्ज़ी किस तरह से आप यूज़ करना चाहते हैं। पुदीने की चटनी मेरी बेटी ने बनाई है, सो उसकी रेसिपी आपको फिर कभी मिलेगी। तकरीबन 7 ईयर्स ओल्ड है वो, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी रेसिपी। आप इन पैटीज को फ्रीज भी कर सकते हैं, ऑयल लगा लें प्लेट के नीचे या ट्रे के अंदर जिसके अंदर आपने फ्रीज़ करने हैं, रख के इस शेप में आपने बना लेने हैं। जब थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाए तो इनकी साइड चेंज कर दें, उसके बाद आप चाहे ज़िप फोल्डर में रख लें, किसी टिफिन में रख लें, जिस चीज़ में आपने रखना चाहते हैं उस बॉक्स में रख लें। अब आपके जो कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।